लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचूड़ में छात्र संघ चुनावों में मतगणना के बाद एबीवीपी प्रत्याशी कार्तिक रजवार ने निर्दलीय प्रत्याशी तनुजा सामंत को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है, जबकि छात्रा उपाध्यक्ष में उर्मिला कौरगा, संयुक्त सचिव में नितिन राजभर, कोषाध्यक्ष पद पर संदीप सिंह और संकाय प्रतिनिधि विज्ञान में अनुज सुयाल ने जीत हासिल की है। चुनाव मतगणना के बाद एबीवीपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कार्तिक रजवार ने 606 मत प्राप्त किए, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी तनुजा सामंत को 459 मत मिले। वहीं छात्रा उपाध्यक्ष प्रत्याशी उर्मिला कौरंगा को 682 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर संदीप सिंह ने 725 पद मत प्राप्त किए। संयुक्त सचिव प्रत्याशी में नितिन राजभर को 586 मत मिले हैं। इसके अलावा विज्ञान संकाय प्रतिनिधि में अनुज सुयाल ने 103 मत प्राप्त किए। इसके बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। मतलब जो भी समस्याएं देखी हैं उनको मतलब सॉल्व करने की कोशिश की है। आगे भी मैं इसी तरह से मतलब जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरा अपना सहयोग करूंगी और महाविद्यालय के लिए हर वो कार्य करूंगी जो मुझसे हो पाएगा। दो वर्षों से मैंने हर छात्र छात्राओं की कड़ी से कड़ी मेहनत करी है। उनकी मेहनत ऐसी करी है कि उनको रिस्पॉन्स, एक बार जैसे मैं सचिव में लड़ा था तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मेरी मेहनत रंग लाई और मैं निर्विरोध शासक सचिव उनकी वजह से ही बना। आज अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के निर्णय से कि आज उन्होंने मुझे अपने महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष चुना, जो कि मेरे पे लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। मैं बहुत नर्वस था कि कहीं क्या पता वोट नहीं जुड़े, विपक्षी को सिंपत्ति वोट पड़ जाए, लेकिन नहीं। आज की यहाँ जो 80% लड़कियाँ थी उन्होंने मेरा साथ दिया, लड़कों जो 20% लड़के थे उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष चुना। धन्यवाद। समस्याओं के लिए मैं खड़ा रहूँगा। मैं ये वादे नहीं करूँगा कि मैं ये करूँगा वोट दूँगा। मुझे लगता है कि जब छात्रों को मेरी जरूरत हो तो मैं उस अवस्था में यहाँ पर उनके निवारण के लिए खड़ा रहूँ। छात्र